हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं टेक्निकल सोकिल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम इस 3.7 वोल्ट की रिचार्जेबल बैटरी के द्वारा, ये चाहे रिचार्जेबल हो या नहीं हो, लेकिन 3.7 वोल्ट की बैटरी के द्वारा इस डीसी मोटर को हम चलाएंगे। मतलब इस बैटरी के द्वारा हम इस मोटर को चलाएंगे और ये मोटर, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, 24 वोल्ट की 250 वाट की मोटर है फ्रेंड्स। तो अब आप सोच रहे होंगे कि यार मुकेश भाई क्या बात करते हो यार, 250 वाट की इस मोटर को कैसे ये बैटरी चला पाएगी। और आप लोगों को तो पता है ही फ्रेंड्स, ये मोटर है इलेक्ट्रिक साइकिल की। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा संभव है, जो कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बताने वाला हूँ, वो भी विद टेस्टिंग। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है फ्रेंड्स। और अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, इस हाई पावर डीसी बूस्ट सप्लाई को बनाने के लिए लकड़ी का बोर्ड या एमडीएफ का बोर्ड ले लूंगा, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो सिर्फ ये बेस के लिए है, आप चाहे तो यहां पर कुछ और भी ले सकते हैं फ्रेंड्स। और अब देखिए, मेन चीज अब है जो कंपोनेंट्स है वो। तो देखिए फ्रेंड्स, अब यहां पर मैं लूंगा दो ट्रांजिस्टर TIP41C, और देखिए इनकी 1, 2, 3 लेग इस तरह से है। फर्स्ट नंबर वाली लेग हो गई इसकी बेस, सेकेंड नंबर वाली हो गई इसकी कलेक्टर, और थर्ड नंबर वाली हो गई इसका एमिटर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इन दोनों ट्रांजिस्टर को हीटसिंक के अंदर कस लूंगा, क्योंकि यार हाई पावर बूस्ट सप्लाई बन रही है तो हीटसिंक लगाना तो जरूरी है फ्रेंड्स। और यहाँ पर मैं जितनी भी वायरिंग यूज में लूंगा वो भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी की लूंगा, ताकि कोई भी वायर वगैरह बिल्कुल भी गर्म नहीं हो। तो आपको इस तरह की हीटसिंक कोई भी पुराने सर्किट के अंदर बिल्कुल आसानी से मिल जाएगी। तो चलिए जल्दी से कस लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इन दोनों को इस तरीके से कस दिया है, और आप देखिए यहाँ पर ये जो बोर्ड हमने लिया है, इसके ऊपर हम इन दोनों को फिक्स कर देंगे। तो मैं इनको फेविबोंड के द्वारा फिक्स कर दूंगा फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स ग्लू स्टिक के द्वारा तो ये पिघल के उतर सकता है। और अब देखिए यहाँ पर मैं लूंगा 270 ओम की रेजिस्टेंस, जो कि 1 वाट की है। और वैसे फ्रेंड्स, ये दोनों रेजिस्टेंस से मैंने किसी सर्किट के अंदर से निकाली है, तो ये सारे कंपोनेंट्स वैसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट शॉप से आपको बिल्कुल आसानी से मिल जाएंगे फ्रेंड्स। और अब देखिए इनको मैं किस तरीके से इन दोनों ट्रांजिस्टरों पे कनेक्ट करूंगा। तो सबसे पहले मैं इन दोनों को आपस में इस तरह से जोड़ देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। और अब देखिए इनको हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर दोनों ट्रांजिस्टरों के बेस पे इनकी दोनों तरफ से ये लेग कनेक्ट कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ठीक है। और अब देखिए इसके बेस से बेस और कलेक्टर से कलेक्टर में एक एक वायर जोड़ लूंगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स, वायर की क्वालिटी हमें अच्छी लेनी है, क्योंकि यार ये बूस्ट होकर 250 वाट देगा। ठीक है। और अब देखिए यहाँ पर लेंगे हम एक 4060 डायोड, और इसको हम कनेक्ट करेंगे इस वाले ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे। तो इसके ऊपर हम डायोड का एनोड कनेक्ट करेंगे। और अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको इस तरह की एक कॉइल लेनी होगी, और इसके सारे वायरों को निकाल के हमें इसको इस तरह से कर लेना है। तो जब सारे वायर उतर जाएंगे तो इसके अंदर से इस तरह से निकल जाएगा। और ये आपको कहाँ मिलेगी फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स, आपको किसी भी इस तरह की सप्लाई के अंदर ये कॉइल मिल जाएगी, देखिए यहाँ पर लगी हुई है। तो आप ऐसा कोई भी सर्किट ले सकते हैं जिसके अंदर इस तरह की कॉइल लगी हुई हो। और वैसे भी फ्रेंड्स हमें इससे मतलब है, और इसको बोलते हैं फ्रेंड्स टोरोइडल कोर। और इसके चारों तरफ अगर हम वायर लपेट देते हैं कॉपर का, तो ये मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करती है, और यही काम हम इसके अंदर करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये किस तरीके से होगा, यहाँ पर हमें ले लेना है इस तरह का कॉपर का वायर, जो की 19SWG का है, और इसको हमें इस तरीके से लपेट लेना है, जैसा की मैं यहाँ पर लपेट रहा हूँ। तो कितने गहरे क्या करने हैं वो अभी मैं आपको बता देता हूं फ्रेंड्स। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमें वायर लपेट लेना है। तो यहां पर फ्रेंड्स मैंने समय बचाने के लिए ऑलरेडी इस तरह से कॉइल पे वायर लपेट लिए हैं, और अब देखिए मैं आपको बताता हूं किस तरीके से ये लपेटे हुए हैं। यहां से हमने स्टार्ट किया लपेटना, और यहां तक हमने 24 गहरे कर लिए कंप्लीट, ठीक है। और इसको देखिए यहाँ पर हमने इस तरीके से घुमा के और वापस से यहाँ पर 24 घेरे और कर लिए यहाँ पर, ठीक है। तो इसका दूसरा सिरा इधर निकल चुका। तो पहला नंबर वाला सिरा यह है जहां से हमने स्टार्ट किया था, और लास्ट वाला यह है, और बीच वाला यह है, ठीक है।
24 इस साइड के अंदर और 24 इस साइड के अंदर हो गए हैं। तो यहाँ पर ये मान के चलिए ये 24 वोल्ट और ये 24 वोल्ट और ये जीरो, ठीक है, जैसा कि एक ट्रांसफॉर्मर में होता है 12-0-12 या 24-0-24। तो इस तरीके से आपको ये वायर इसके ऊपर लपेट लेना है। और अब देखिए फ्रेंड्स, इसका कनेक्शन हम करेंगे इस सर्किट के अंदर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें कॉइल का स्टार्टिंग या लास्ट वाला एक वायर दोनों रेजिस्टेंसों के बीच में कनेक्ट कर देना है इस तरीके से, और इसका दूसरा सिरा इस वाले ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे कनेक्ट कर देंगे। और अब देखिए फ्रेंड्स, इस कॉइल को भी हम फेविबॉन्ड के द्वारा फिक्स कर देंगे। तो यार फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अब देखिए, यहाँ पर लेंगे हम एक कैपेसिटर जो कि 4700 माइक्रोफेरेड 50 वोल्ट का है। आप चाहे तो फ्रेंड्स यहाँ पर 6300 माइक्रोफेरेड 50 वोल्ट भी ले सकते हैं, 6300 माइक्रोफेरेड 35 वोल्ट भी ले सकते हैं, 4700 माइक्रोफेरेड 35 वोल्ट भी ले सकते हैं। इस तरीके से आप ये वाले कैपेसिटर भी ले सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं, यहाँ पर ये जो 270 ओम की रेजिस्टेंस है, इनकी जगह आप 220 ओम की रेजिस्टेंस भी ले सकते हो। तो यार किसी भाई ने कमेंट किया था कि सर अगर हम ये चीज नहीं ले सकते तो दूसरी क्या चीज ले सकते हैं, इस तरीके से भी आप हमें एक बार सजेस्ट कर दिया करो। तो उस भाई की बात मेरे को याद आ गई और मैंने आपको बता दिया है फ्रेंड्स, इनकी जगह हम ये कंपोनेंट्स भी ले सकते हैं। और अब देखिए इस कैपेसिटर को हम किस तरीके से यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कैपेसिटर का जो पॉजिटिव वाला वायर है इसको हम इस डायोड के कैथोड पे कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं कैपेसिटर को फिक्स कर देता हूँ फेविबॉन्ड के द्वारा, और इसको मैं कर देता हूँ फिक्स। तो इसके नेगेटिव पे हम एक वायर कनेक्ट करके लाएंगे, और वो कहाँ से लाएंगे फ्रेंड्स, इस वाले ट्रांजिस्टर से। तो इस ट्रांजिस्टर के एमिटर से हम कनेक्ट करके लेके जाएंगे जहां पर ये ब्लैक वाला वायर जुड़ा हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम ये वाला वायर कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम इसको फिक्स कर देंगे। इससे पहले यहाँ पर हम इस वायर को कैपेसिटर के नेगेटिव पे कनेक्ट कर देते हैं, और आप देखिए इस वायर को हम इस तरीके से फिक्स कर देंगे ग्लू स्टिक के द्वारा। और आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लेंगे हम इस तरह का एक टर्मिनल ब्लॉक कनेक्टर, और इसको सबसे पहले हम यहाँ पर फिक्स कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। और देखिए सबसे पहले मैं इसके ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव लिख देता हूँ, और फिर हम उसी तरीके से इसके ऊपर कनेक्शन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम नेगेटिव वायर लेके आएंगे और इस वाले पे लेके आएंगे पॉजिटिव। तो चलिए कनेक्ट कर लेते हैं दोनों वायर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि जो कैपेसिटर का नेगेटिव है उससे हम एक वायर लेके इसके नेगेटिव पे जोड़ देंगे, और कैपेसिटर के पॉजिटिव से हम एक वायर लेके यहाँ पर जोड़ देंगे इसके पॉजिटिव पे, ठीक है। तो चलिए जल्दी से कनेक्ट कर लेते हैं। और अब देखिए ये तो हो गया इसका आउटपुट, तो यहां पर मैं लिख देता हूं एक बार आउटपुट। यहाँ पर हम इसका इनपुट देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इनपुट कैसे होगा। फ्रेंड्स, जैसे कि आपने टाइटल या थंबनेल में देख लिया होगा कि हम इस बूस्ट सप्लाई को 3.7 वोल्ट की बैटरी से ऑपरेट करेंगे। तो यहाँ पर मैं उसके लिए होल्डर लगा लेता हूँ लिथियम बैटरी का, जैसा कि आप देख सकते हैं इसके अंदर लिथियम बैटरी लग जाएगी। तो ये बैटरी का पॉजिटिव है और ये बैटरी का नेगेटिव। जो बैटरी का नेगेटिव है वो कनेक्ट होगा यहाँ पर, यानी कि हमारा जो सेकंड वाला ट्रांजिस्टर है इसके एमिटर पे, और बैटरी का जो पॉजिटिव है वो कनेक्ट होगा फ्रेंड्स इस कॉइल की इस वाली लेग पे, जो बीच वाली लेग है जीरो वाली, इस पे, ठीक है। तो चलिए कनेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इसको कस देता हूँ, ये देखिए इसके अंदर इस तरह से होल होता है, तो इसको मैं स्क्रू के द्वारा कस देता हूँ फ्रेंड्स यहाँ पर। और अब देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको इसके नेगेटिव और पॉजिटिव के लिए कनेक्ट करने के लिए बताया था, उस हिसाब से हम इनको कनेक्ट कर देंगे दोनों वायरों को। तो मैं इसको एडजस्ट कर देता हूं वायर को इस तरीके से। तो यहां पर देखिए ये इसका इनपुट हो गया है, तो यहां पर मैं इनपुट लिख देता हूं। और अब देखिए इसके आउटपुट पे मैं दो वायर कनेक्ट कर लूंगा पॉजिटिव और नेगेटिव के हिसाब से। तो पॉजिटिव के लिए रेड और नेगेटिव के लिए ब्लैक वायर। और अब बारी है फ्रेंड्स इस हाई पावर डीसी बूस्ट पावर सप्लाई की टेस्टिंग की। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा इसके टाइटल और थंबनेल में कि हम इसको 3.7 वोल्ट की बैटरी से ऑपरेट करेंगे
और इसके आउटपुट से निकलेंगे 65 वोल्ट और 250 से 300 वाट तक। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको चेक कराने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैं लेता हूँ ये वाली मोटर जो कि 250 वाट की है फ्रेंड्स, और देखिए इसके जो वोल्टेज है वो है 24 वोल्ट DC। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्या ये 3.7 वोल्ट की बैटरी इसको चला पाएगी। चलिए चेक कर लेते हैं। ये हो गया इसका नेगेटिव और ये हो गया इसका पॉजिटिव। देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल भी यहाँ पर ये इसको नहीं चला पा रही है, ये देखिए, ठीक है। और अब देखिए ये इसके अंदर लगाने के बाद में इसको कैसे चलाती है। सबसे पहले मैं इसका नेगेटिव वाला वायर इसके आउटपुट के साथ में कनेक्ट कर देता हूँ, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। और अब देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं इस बैटरी को लगा देता हूँ, ये लीजिए फ्रेंड्स। और अब देखना फ्रेंड्स आप, देख सकते हैं फ्रेंड्स, और आप इसका पावर देखिए, और देखना फ्रेंड्स इसको पकड़ना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। ये देखिए यार, बहुत ही पावरफुल यहाँ पर ये बूस्ट हो रही है सप्लाई, ये देखिए फ्रेंड्स। और ऐसे हाथ लगाने से कुछ भी नहीं होगा क्योंकि एक बार ये कनेक्ट हो चुका है, और देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये जल्दी से ख़त्म हो जाएगा इसका बैकअप, बैकअप जो होता है बैटरी का वो पूरा मिलेगा, लेकिन बूस्ट होके। इसीलिए तो फ्रेंड्स हमने ये इतनी मोटी मोटी रेजिस्टेंस लगाई है 1-1 वाट की, और यहाँ पर देखिए ट्रांजिस्टरों के ऊपर हीटसिंग भी लगाई है ताकि ये गर्म नहीं हो, और देखिए गर्म नहीं हो रहे हैं, हल्के हल्के हीट जरूर होंगे। और देखिए बहुत ही पावरफुल के साथ में, ये देखिए हटा ही लेना पड़ा यार मुझे, पूरा घूम गया मोटर। और अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको दूसरी चीज़ चेक करवाता हूँ, इसको तो रख देता हूँ एक बार। तो देखिए सबसे पहले मैं इस बैटरी को निकाल लेता हूँ, और अब देखना यहाँ पर ये जो LED स्ट्रिप है इसको हम चेक करते हैं इसके द्वारा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इसका नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव, देखिए बिल्कुल भी यहाँ पर ग्लो नहीं हो रही LED, ठीक है, ये देखिए फ्रेंड्स। और इसी तरह से फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो 12 वोल्ट की LED लाइट है इसको हम चेक करते हैं, ये हो गया इसका नेगेटिव और ये हो गया इसका पॉजिटिव, देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए बिल्कुल भी यहाँ पर ग्लो नहीं हो रही है। और अब देखिए फ्रेंड्स, हम इसको इसके द्वारा ग्लो करते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ बैटरी को वापस से, और अब देखना फ्रेंड्स आप, ये हो गया इसका पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव और ये हो गया नेगेटिव। तो यार इतनी पावर आ रही थी, LED ही फ्यूज हो गई, ये पूरी की पूरी सही थी। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर काफ़ी सारी LED ख़राब हो चुकी है क्योंकि इसके अंदर जो वोल्टेज आ रहे हैं, देखिए मैं आपको वोल्टेज चेक करवा देता हूँ, 200 पे कर दिया है मैंने, और आप यहाँ पर वोल्टेज देखना फ्रेंड्स इसके, देख सकते हैं फ्रेंड्स अभी 61.45 वोल्टेज आ रहे हैं, वैसे ये 65 वोल्टेज तक चला जाता है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इसको चेक करते हैं, हो सकता है ये भी फ्यूज हो जाए, तो इसको मैं पहले आपको दूसरी चीज पे चेक करवा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने ये एक बैटरी बनाई थी 12 वोल्ट 4 एम्पियर की, तो इसी के द्वारा मैं आपको चेक करवा देता हूँ इसको, ये लीजिए। तो यार फ्रेंड्स, अभी आपने देखा यार, ये दोनों वायर यहाँ पर टच हो गए थे और मुझे भी नहीं पता था, और आपने देखा किस तरह से यहाँ पर ये काफी तेज धमाका हुआ यार। तो ऐसे कई बार ट्रेजडी हो जाती है वीडियो के अंदर, तो यहाँ पर मैंने आपको डायरेक्ट लाइव बताया है यार। तो चलिए जैसा कि मैं आपको बता रहा था, सबसे पहले यहाँ पर मैं इसको चेक करवा देता हूँ, हो सकता है ये भी फ्यूज हो जाए। तो ये हो गया इसका पॉजिटिव और ये हो गया इसका नेगेटिव, और इसको हम ऑन कर देते हैं, देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर ये लाइट चालू है, ठीक है। और अब देखिए इसके द्वारा हम चेक करते हैं तो क्या रिजल्ट निकलता है। यहाँ पर मैं इसको जोड़ देता हूँ, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स यहाँ पर ये दोनों टच हो गए तो ये खराब हो गया सप्लाई, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये जो कैपेसिटर है ये चार्ज होता रहता है, इसीलिए यहाँ पर काफी तेज धमाका हुआ और पीछे से भी बूस्ट होके सप्लाई आ ही रही थी, तो ये दोनों कारण रहे फ्रेंड्स, ठीक है। और अब देखिए
यहाँ पर हम इसको चेक करते हैं, हो सकता है फ्यूज हो जाए ये। ये देखिए फ्रेंड्स, लगाते ही ये फ्यूज हो चुकी है, क्योंकि यार इसके अंदर 61 पॉइंट कुछ वोल्टेज आ रहे थे, तो यहाँ पर ये डेड हो चुकी है फ्रेंड्स। ये देखिए हल्की सी जल रही है ये, और देखिए मैं आपको दोबारा से चेक कराता हूँ इस बैटरी के ऊपर। देखना फ्रेंड्स, अब ये नहीं जलेगी, ये देखिए नहीं जली ये। तो यार देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये भी गई काम से और ये भी गई, ठीक है। तो यार आप लोगों के लिए इतना तो करना ही पड़ता है यार। तो यार इस वीडियो के लिए लाइक करने के साथ साथ फ्रेंड्स इस वीडियो को शेयर जरूर करना आप, और कमेंट करना फ्रेंड्स इस वीडियो के लिए, कुछ भी कमेंट करो लेकिन कमेंट जरूर करना। देखिए यहाँ पर मैं आपको वापस से ये चेक कराता हूँ मोटर, क्योंकि यार मेन चीज तो ये 250 वाट का है, तो इसी के लिए है ये। और अब देखना फ्रेंड्स कितनी पावरफुल है यार हमारी ये डीसी सप्लाई, और कितना हाई पावर बूस्ट कर रही है फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ये इलेक्ट्रिक साइकिल के अंदर लगती है, जो कि 24 वोल्ट और 250 वाट की मोटर है। तो 3.7 वोल्ट की बैटरी के द्वारा इस तरीके से आप वोल्टेज बूस्ट करवा सकते हैं, और अपनी आवश्यकता के अनुसार इसको यूज में ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो प्लीज यार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर से शेयर कीजिएगा, हो सकता है वो भी इसी तरह का कोई इंटरेस्टिंग ढूंढ रहे हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद दोस्तों।